एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं और हमें इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई हैं, गिवन दो इक्वेशन दी गई हैं। हम इसे इक्वेशन वन और जो सेकंड है उसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें कोई भी दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को लेना है। आप फर्स्ट इक्वेशन को भी ले सकते हो या सेकंड इक्वेशन को भी आप ले सकते हो। तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन को पहले ले लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है, हमने तो x और y में से एक वैल्यू हमने ये इस साइड रखनी है और एक दूसरी वाली वैल्यू हमने दूसरी साइड ले जानी है। तो हम यहाँ पे x वाली वैल्यू रखेंगे और y वाली वैल्यू को 14 के साइड ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो x यहीं पे रहेगा तो 14, y दूसरी साइड जाएगा तो y का साइन चेंज होके नेगेटिव का साइन बन जाएगा। जो हमारे पास x इक्वल टू 14 माइनस y हो जाएगा, उसे हम इक्वेशन क्या ले लेंगे, इक्वेशन 3। अब हमने इसे इक्वेशन 3 ले लिया है। इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है, तो हम जो इक्वेशन 3 है तो हम इस पुट x इक्वल टू 14 माइनस y इन जो हमने सेकंड इक्वेशन है उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए कि कौन सी इक्वेशन में हमने पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड में। चलिए इसे पुट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की जगह अब हमें 14 माइनस वाई लिखना है। तो x की जगह लिखते हैं 14 माइनस वाई, यहाँ पे फिर हमारे पास माइनस वाई इक्वल टू 4। हमारे पास 14 माइनस वाई हमारे पास 2 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 हमारे पास अब दूसरी साइड जाएगा, तो यहाँ पे 14 प्लस का है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 14। तो 4 माइनस 14 और हमारे पास माइनस 2y इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, अब 4 माइनस 14 हमारे पास होगा माइनस 10। तो y माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाके ये क्या करेगा, 10 को डिवाइड। तो यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा और 10 की जो y की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 5। अब हमारे पास y की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो जो 5 की जो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, 3 में। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं y, पुट इन वैल्यू y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू 14 माइनस y। अब हमें y की जगह 5 लिखना है, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो हमारे पास 14 माइनस 5 हमारे पास होता है 9। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और y की क्या वैल्यू आ गई 5। तो हमने सिंपली इस मेथड को यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले दो इक्वेशन दी गई थी, पहले हमने सबसे पहली इक्वेशन को ले लिया। पहली इक्वेशन को लेने के बाद हमने x और y में से एक वेरिएबल यहाँ पे राइट में रखा और दूसरा दूसरी साइड ले गए, जो हमारे पास इक्वेशन बनी, हमने थर्ड इक्वेशन बनी और उसी थर्ड इक्वेशन को हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है उसे हमने थर्ड इक्वेशन में फिर पुट किया और हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।